Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Dr. Shahzadi. So let me show you this beautiful Banjosa Lake, Banjosa Jheel, जो कि बहुत ही खूबसूरत है. इस जगह पे आके बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है. So मेरा पूरा जो जिनके साथ मैं आई हूँ, as you all know, हम अकेले होते हैं, तो हम अकेले हैं और हम आपको पूरा जो है दिखा रहे हैं ये बंजोसा. सो वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोगों ने देखना है. और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल द वीडियोज, वरना मार पड़ जाएगी. ये जी हम बंजोसे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा एक फंक्शन था, एक पार्टी थी जिसको हमने अटेंड करना था और हमारा एक ट्रिप और टूर भी था. तो ये हम उसी के साथ जा रहे हैं, अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ. लेकिन अभी मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेली हूँ. तो ये अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इंट्रेंस है बंजोसे की. यहाँ से बंजोसा स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे नीचे आपको कुछ झूले नज़र आ रहे होंगे, ये रोड्स हैं और यहाँ पे पानी का चश्मा भी एक है. और जनाब ये हम पहुँच चुके हैं बंजोसा में. तो अभी हम उतरते हैं बस से और आपको दिखाते हैं बाकी सारा नज़ारा. तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको यहाँ आते आते. ये हमारी गाड़ी जो है, बस जो है, वो रुक गई थी, हम बस से उतर गए हैं. सामने बस है और कुछ बच्चे हैं जो बस से उतरे हैं. सो मैं पहुंच गई हूँ बंजोसा. मैं आप लोगों को बंजोसा झील दिखाती हूँ, कंप्लीट व्लॉग इन दिस बंजोसा. ये देखें जनाब, ये झील है और ये खाने पीने वाले होटल्स हैं. आप यहाँ पे खाना खा पी सकते हैं. और दिखाते हैं यार, बोटिंग करनी है मुझको, बोटिंग करनी है. लेकिन बोटिंग कैसे करेंगे, बोट्स बंद पड़ी हैं. ये देखें इतना प्यारा सनसेट आ रहा है, ये सूरज. दिस इज़ सो प्रीटी, सो ब्यूटिफुल प्लेस, लेट मी शो यू दैट. हम यहाँ बैठेंगे, वैसे वहाँ भी बैठ सकते हैं बट हम यहाँ बैठेंगे. तो ये हमारी शॉल है, हम हैं और ये हम बैठ गए. ये लुक एट मी. हमने बोट वाले से पूछा है क्या आप हमें झूला दे सकते हैं, और ही सेट के आपके साथ और कोई नहीं है. तो आई सेट कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ. तो फिर उसने बोला कि रुको रुको, किसी को पकड़ के लेकर आओ और फिर आप बना सकते हैं वीडियो, मतलब चला सकते हैं वीडियो, नहीं ये वोटिंग कर सकते हैं. बट कोई ना होने की बाइस हम गाइस, हम कहाँ आ गए यार. मुझे बहुत मज़ा आता है, आई लव टू विज़िट न्यू प्लेसेस, आई लव टू विज़िट दिस टाइप ऑफ प्लेसेस. मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर होल वर्ल्ड, यू नो गाइस. बट लाइक यू कैन सी दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल बंजोसा, बंजोसा लेक, बंजोसा झील. ये देखिए मेरे नेल्स देखें, 90,000 के मैंने नेल्स लगवाए हैं, डू यू इमेजिन. ओके लेट मी सी, लेट मी शो यू फ्रॉम दिस ब्रिज. ओके गाइस, दिस इज इट. यहाँ से आप व्यू देखें, दिस इज ब्रिज. यहाँ पे ये काफ़ी टूरिस्ट आते हैं एंड दे लव टू विजिट दीज प्लेसेस, दे लव टू, यू नो. हम तो कल्ले हैं, कल्लम कल्लिया, मैं चल्लम चल्लिया. यहाँ पे मेरी बचपन की जी पिंग होती थी ये, लेकिन ये टूटी हुई है, सो मैं झूला नहीं ले सकूँगी. इट्स ओके, अब मुझे वापस जाना होगा. अब यहाँ से आप देखो देखो देखो, ये देखो, ये पूरी झील है, ठीक है. सो दिस इज इट, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ. ये देखें, यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा नज़ारा है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत साफ होती है बट राइट नाउ शायद मौसम की वजह से गंदी है, पानी रुका हुआ है. और गंदी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मतलब कोरा जमा हुआ है उसकी वजह से, बट ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह. बाकी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है एंड झूले नहीं है, आई डोंट नो व्हाई, बट झूले बंद हैं. एक काम है, या हम गलत टाइम पे आए हैं या ज़्यादा ठंड है. ठंड तो है नहीं, हमें तो कश्मीर के बकरी बकरियों को नहीं लगती. तुम लोग कहते हो पहाड़ी बकरियाँ, तो हम पहाड़ी बकरियाँ नहीं हैं, लेकिन हमें ठंड नहीं लगती. तो ये देखिए, तो मैंने आपको चारों तरफ से इसका नज़ारा करवाया. उस दिन जब मैं आई थी तो ये पानी इतना इतना ऊपर था, लेकिन अभी ये नीचे है. ये देखिए, क्योंकि आजकल हम हो गए हैं मम्मी डैडी, तो हमको प्यास लग गई है सिर्फ वहाँ से यहाँ आने पे, तो हम अब इन शॉप्स पे जाएंगे. सो गाइस, हम यहाँ से जूस ले लेंगे. और प्लीज जूस कहाँ है, ये इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे अपने पीने के लिए, चाहिए छोटा भी. नो इट्स वेरी स्मॉल,
ओके मैं ये ले लेती हूँ गाइस। गाइस हमने लिया है कोक एंड लेस नहीं है ये तो वो है सुपर क्रिस्पी लेस नहीं है। सो गाइस हमने लिया है लेस एंड कोका कोला। ओह नो ये मुझ पे हमला करने वाले हैं। गाइस कहाँ जाऊँ मैं? नहीं नहीं मुझ पे हमला मत करो प्लीज। यार कोई जिंदगी अकेले बंदा झूला नहीं ले सकता, अकेले बंदा कश्ती नहीं चला सकता, मतलब अकेले बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। लाइक गाइस वो एक कुत्ता बैठा हुआ है, वो अंकल किधर गए? अंकल कहीं चले गए हैं, बच्चे ओके। वो देखिए पूरा वहाँ जंगल में गई हुई लड़कियाँ, बट मैं नहीं जाऊँगा। मुझे अब इस कुत्ते से डर लग रहा है। इस कुत्ते को क्या करें, इसको क्या करें? ये पाथ बना हुआ है, ये थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है थोड़ा सा, क्योंकि साइड पे भी है सांप सूंप, यहाँ पे निकल आते हैं डड्डू वड्डू। ओ क्यूट पत्थे देखो गाइस, सो ब्यूटीफुल नाइस। सो गाइस जब यहाँ पे बारिश होती है सो ये वाला सारा एरिया कवर हो जाता है, बिल्कुल पानी से भर जाता है। एंड यू कैन सी दिस ब्रिज, ये पूरा पानी से ओवरफ्लो हो जाता है। सो और ये यहाँ से पूरा पूरा इतना इतना पानी ऊपर आता है। और जब आप नॉर्मली चल रहे हैं तो आपको फील नहीं हो रहा, बट जब यहाँ बारिश होगी एंड यू विल मूव यू विल सी कि यहाँ पे स्लिपनेस होती है, स्लिप स्लिप सा कर रहा होता है स्टोन। आई लव टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस बट हमने प्लान किया था वी वॉज गोइंग टू तोलेपीर, बट मासेरों की याद ने कहा कि चलो गंदोसा चलते हैं। जनाब हम पहुँच गए, हम पता कहाँ पहुँचे हैं? वहाँ ऊपर। तो ऊपर मैं अब आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, ये ऊपर है और ये पीछे गेस्ट हाउस है। मोटी हो गई हूँ, सांस चढ़ गया क्योंकि यार हमारी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ओह माय नीलू, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम फ्रंट कैमरा। और ये थी पूरी कंप्लीट बंजोसा झील, और सब लोग सोच रहे हैं कि मैं बंजोसा की हूँ, मैं बंजोसा की नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने विद इन वन वीक 100K पूरा करवाया, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन जिसने लाइक किया और डिसलाइक किया। हम तो हेटर से भी मोहब्बत करते हैं, सबका मेरा बहुत बहुत दिल की अता गहराइयों से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक किया और इतना सपोर्ट किया। और मेरे जो चाहने वाले हैं, हाय नहीं मेरा नेल टूट गया है, हूँ मैं की करा, हाय रब्बा। तो दिस इज़ इट, और ये एक व्लॉग था यार, मेरे साथ कैमरामैन नहीं होता इसलिए मुझे खुद ही बनाना पड़ता है, बट अच्छा है, ये प्यारा लगेगा आप लोगों को, पूरी वीडियो आप लोग देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइज ये है ऊपर वाली साइड बंजोसा झील की, यहाँ से पूरा झील का व्यू आपको आसानी से नज़र आता है और यहाँ पर पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली आपको फेस करी होती है। तो आपने जब भी वीडियोस बनानी हो या पिक्चर्स बनानी हो और आप आए कश्मीर के इस बंजोसा लेक पे, तो आप यहाँ आके ज़रूर वीडियो और पिक्चर्स बनाइएगा। और यहाँ से आगे सारा जंगल है, मैंने वो भी आप लोगों को विज़िट करवाना था, वो भी करवाती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको गेस्ट हाउस थोड़ा सा दिखाऊंगी और उसके बाद हम चलते हैं आगे और वहीं पर खाना खाते हुए अपनी वीडियो को करेंगे एंड। जाते हुए सारा नहीं दिखाऊंगी, बस थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी और चलें चलते हैं। इसके बैक साइड पे भी बहुत अच्छी जगह है, ये सिटिंग एरिया है, मतलब यहाँ से बैठ के भी आप देख सकते हो। ठंड है, अगर आप लोग अभी बंजोसा आ रहे हैं या कश्मीर आ रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोग इस मौसम में यानी दिसंबर में आ रहे हैं, जनवरी फरवरी में, तो यहाँ कोहरा पड़ता है कश्मीर में, तो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आएँ, गर्म कपड़े पहन के आएँ। अब ये देखें ये बैक साइड है सारी, वो देखो ये सारी बैक साइड है, लोग लकड़ियाँ काट रहे हैं, और वो देखें ये सारा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गई थी कुछ गर्ल्स जो कि पिक्चर्स बना रही थी, तो हमने उनसे कहा कि प्लीज़ हमारी भी एक वीडियो बना दें, तो उनसे हमने वीडियो बनवाई। ये सारी जगह जो है सिटिंग एरिया यहाँ जगह जगह बना है, आप इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह है, सुकून मिलता है। पता है गाइस लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है
और लोगों ने आउटिंग कम कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जिंदा दिल हैं मेरी तरह। मुझे तो मौका मिलता है तो मैं कहीं भी मतलब घूमने चली जाती हूँ अगर मेरी तबीयत अच्छी हो तो। खैर यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सुकून था। आप लोग भी घरों से निकला करें, बाहर जाया करें, पार्क्स में जाया करें। जो टाइम आप लोग मोबाइल फ़ोन को देते हैं कुछ टाइम इबादत को दें और बाकी टाइम आप इंजॉय करें। तो ये जो है एक आर्मी की जगह है, यहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जाते। तो क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड सारा आर्मी का है तो मैंने यहाँ से पूछ के उनसे, मैं और मेरी फ्रेंड्स गए थे तो हम यहाँ पे ये झूला झूल रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सी जगह है। मेरा दिल करता है एक बहुत ऊंची सी पहाड़ी हो और उसके ऊपर मैं इस तरह से झूला झूलूं। और ये बहुत प्यारी लोकेशन थी, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी जब भी आप कश्मीर आएँ तो आप बंजोसा ज़रूर जाएँ। वाओ इतना एडवेंचरस है ये, वाओ गाइस बहुत मजा आ रहा है, ये देखिए आप लोग भी आ रहे हैं। मैं नहीं उतरूंगी इससे नीचे, मुझे इधर छोड़ जाओ, मुझे घर नहीं जाना है गाइस, मुझे अपने घर नहीं जाना है। मैं भी अपनी एक स्नैप भेज देती हूँ, मैं स्नैप नहीं, मैं यूट्यूब पे व्लॉग रही हूँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़े। उसके बाद आप देख रहे हैं ये वुडवर्क किया हुआ है, आर्मी वालों ने बनाया हुआ है। यहाँ जाना अलाउ नहीं है सिविलियन के लिए, लेकिन मैं गई क्योंकि आप लोगों को मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है। देन ये पूरा जो है व्यू आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये जो गेस्ट हाउस है ये वाला सिविलियंस के लिए नहीं है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये बहुत 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 मज़ा आ रहा था मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा वर्क आर्मी वालों ने किया हुआ, तो बहुत ही ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हुई हुई। अब देखें ये एक फ्रेम बनाया हुआ है स्पैरो के घर का, कोयल के, छोटी छोटी चिड़ियाँ इसके अंदर आके रहती भी हैं। और ये बहुत प्यारा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इसके साथ खेल रही थी। फिर हम, मैं और मेरे दोस्त भागते भागते ऊपर गए, पर जाना अलाउ तो नहीं था, लेकिन हम क्योंकि हमारे बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है आर्मी की है तो मुझे उन्होंने अलाउ किया। फिर हमारी फ्रेंड्स ने यहाँ पर वीडियोज़ बनाई, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, इन जगहों से आपको सुकून मिलता है और आप रिलैक्स रहते हैं। फिर अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, अब हम इस बीच पे पहुंच गए। पूरा बंजोसा मैंने आपको घूम के दिखा दिया, ये राउंड पूरा। तो ये है जी झील और ये हूँ जी मैं। और इतने मज़े के अंकल ने गाने लगाए हुए थे होटल वाले ने कि मैंने एक बहुत ज़बरदस्ती वीडियो बनाई। जैसे मैं खुश रहती हूँ आप सब भी खुश रहा करें। शफीक अहमद रोटी खुल गई जे गाइस, हम रोटी खाने जा रहे हैं, वाली रोटी। इसके बाद इस होटल में हमने जाना था, खाना था हमारे स्टाफ की तरफ से। तो हम जी ऊपर जा रहे हैं और आप मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, दोनों चीज़ों को मैंने पूरे बंजोसे में खवार किया, खाने का टाइम नहीं मिला। फिर हम फ्रेंड्स के साथ ऊपर गए, यहाँ पे हमने टेबल लगाया, चेयर लगाई, और जनाब बड़ा प्यारा सा सेटअप था बैठने के लिए और व्यू भी अच्छा था। फिर यहाँ पे हम बैठे, हमने बिरयानी खाई, और जो मतलब बिरयानी में जो पीस आया था वो सारा मैंने तोड़ तोड़ के बिल्लियों को खिला दिया। तो मक्का और मदीना से आने के बाद, सऊदीया से आने के बाद मुझे बहुत मोहब्बत हो गई है बिल्लियों से। मैं जो जहाँ भी ये मिलती हैं मैं इनको खाना डालती हूँ। पहले मैं बहुत डरती थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम पे आने और जाने वाली हैं, तो ये पलीत नहीं होती, इनका ख्याल रखा करें। मोटे 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 इसके बम्बू पे लात मारूंगा। अभी हम बोटिंग करने वाले हैं और हमारे साथ एक बोट डरपोक है, तो हम हिम्मत उसे दे रहे हैं कि तुम बैठो हमारे साथ, दो की जगह लेकिन हम बैठेंगे तीन एक बोट पे। बोट दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस इधर जाफला हो गया। मेरी दोस्त कह रही है, मैंने पूछा कश्ती के कितने पैसे, तो वो कह रही है कि कश्ती के भी पैसे होते हैं, चलो इधर से जल्दी जाओ, वो भी 400। ये वाली बोट से अभी हम लेते हैं, थोड़ा मार्चा मारते हैं माँ शेरों के साथ, फिर आपको आगे बताते हैं। लास्ट में बहुत ही हमने इंजॉय किया। ये है जी ड्रैगन बोट, इस पे हम गए फ्रेंड्स के साथ, और ये मैं हूँ। ये ड्रैगन बोट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अंदर बैठ गई हूँ। और जो मेरी चीखें थी ना गाइज, ये बहुत इन्होंने तेज़ कर दी थी, और लास्ट में बैठना बहुत ही मुश्किल था कि मैं इस मतलब बहुत मज़ा आया, हमने डन किया और अब हम बैठे हुए हैं। अब ये बाकी हमारा स्टाफ है सारा, और अब हमारा जो चल रहा है, और इतनी चीखें अभी मैं आपको सुनाती हूँ।
रहा है मेरे पाँव से जूते सारे कीचड़ से भर गए हैं, इनको साफ करें। मुझे ऊपर आके ना थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है मेरा दिल सोच। और जी ये हम बैठ गए हैं वापस से बस में और मेरी फ्रेंड जो है बड़े मज़े कर रही है, डांस कर रही है, पीछे सब स्टाफ भी डांस कर रहा था, लड़के लड़कियां सभी खेल रहे थे, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो ये व्लॉग पसंद आया होगा, एक टूर का एक शॉट हमारे था। लेकिन इसके बाद वापस आने के बाद मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरी दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।